आपने देखा होगा वो सच्चे गुरु गोविंद सिंह के सच्चे सिख हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने सिखाया था ना, पांच कंग दिए थे। वो पांच कंग का मतलब ये है कि सरदार, जिसके पीछे नाम के पीछे सिंह लगता है, वो क्या करेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा। और दूसरा जो दबिस वर्ग है, जिनको सरकारों ने लगा लो या किसी भी वर्ग ने, ताकतवर वर्ग ने दबा दिया, उसको मतलब आश्रय देगा, उसको उबारेगा, उसकी मदद करेगा। आप जितने भी भारत के दूसरे देशों के साथ जो वार हुए हैं, फाइट हुई हैं, उनमें आप देख लें, जैसे सिखों की आपने बात की है, उन्होंने सबसे पहल करके युद्ध में बहुत बढ़िया अपना प्रदर्शन किया है और शहीदी भी उन्होंने दी है। गुरु गोविंद सिंह को देखा होगा, अपने अपने चार पुत्रों की शहीदी दी थी। तो क्या फिर ये पंजाब तक सीमित है आंदोलन? नहीं नहीं नहीं, ये पंजाब तक बलिस्तानी शब्द, ये जो जिन लोगों ने ऐसे शब्द यूज किए हैं वो बहुत ही मतलब उनके दिमाग में पता नहीं क्या मानसिकता है, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा वो सच्चे गुरु गोविंद सिंह के सच्चे सिख हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने सिखाया था ना, पांच कंग दिए थे। वो पांच कंग का मतलब ये है कि सरदार, जिसके पीछे नाम के पीछे सिंह लगता है, वो क्या करेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा। और दूसरा जो दबिस वर्ग है, जिनको सरकारों ने लगा लो या किसी भी वर्ग ने, ताकतवर वर्ग ने दबा दिया, उसको मतलब आश्रय देगा, उसको उबारेगा, उसकी मदद करेगा। आप जितने भी भारत के दूसरे देशों के साथ जो वार हुए हैं, फाइट हुई हैं, उनमें आप देख लें, जैसे सिखों की आपने बात की है, उन्होंने सबसे पहल करके युद्ध में बहुत बढ़िया अपना प्रदर्शन किया है और शहीदी भी उन्होंने दी है। गुरु गोविंद सिंह को देखा होगा, अपने अपने चार पुत्रों की शहीदी दी थी। तो क्या फिर ये पंजाब तक सीमित है आंदोलन? नहीं नहीं नहीं, ये पंजाब तक बिल्कुल भी सीमित नहीं है, ये ओवरऑल इंडिया का एक मोमेंट बन चुका है। पंजाब ने तो मैं